हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज। दोस्तों, काफ़ी इस टाइम पे मुझे क्वेरीज आ रही थी और काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि सर आप इस COVID-19 को लेके अच्छा सीरीज क्रिएट कर रहे हैं और काफ़ी यूजफुल हुआ है। और इसमें कुछ लोगों के प्रश्न भी थे, राइट? तो ये वीडियो उस चीज़ को एड्रेस करेगा। लोगों के प्रश्न खास करके इस टाइम पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे इस वक्त आ रहे हैं वो है सब्जेक्ट हेडलाइंस को लेके और कॉल टू एक्शन लेके। मेनली सबसे ज़्यादा लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट हेडलाइन कैसे रखें बिजनेस का, राइट? और काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम ये जो कंसेप्ट है ये डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं जो आपने एडा का बताया। दोस्तों, ये हर जगह पे यूज़ होता है और आज मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि जो लेटेस्ट खास करके बिजनेसमैन है वो भी यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक को, राइट? और ख़ास करके जो आज आपकी क्वेरीज है सब्जेक्ट हेडलाइंस को लेके, वो भी मैं आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये एक पेपर एड बताना चाहूँगा। ये दोस्तों देखिए क्या इसमें लिखा है। हाई स्कूल स्टूडेंट लूजेस ऑलमोस्ट 600 pounds एंड नाउ डिवोट्स हिज लाइफ टू हेल्प अदर गेट स्किनी। दोस्तों, ये क्या है? ये देख के ही वी गेट शॉक्ड कि अरे देखिए, हाई स्कूल स्टूडेंट ने, आप देखिए जरा इमेज देखिए, फोटो देखिए पेपर में, कि कितना पतला हो गया ये, और इन्होंने 600 पाउंड अपना वेट घटा लिया। कैसे घटा लिया? लोग रीड करेंगे। जब ये मैसेज लोग रीड करेंगे, तो इसमें आखिर में एंड में बताया जाता है कि आप जो है हमारा डाइट प्लान फॉलो करें, आप जो है हमारा ये चीज़ लीजिए, ये प्रोडक्ट्स लीजिए जिससे आपका वेट लॉस होगा। ये आदमी ने भी यही लिया था। अब देखिए दोस्तों, अगर डायरेक्टली हेडलाइन ऐसा बना दिया होता उनकी प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को लेके या उनकी प्रोडक्ट को लेके कि आप इससे वेट लॉस कर सकते हैं, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इतना इफेक्टिवली हो जा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है कि दे हैव मेड अ सच अ वेरी गुड हेडलाइन कि रीडर्स को एक बहुत ही अच्छा लगेगा कि लेट मी रीड, कि ये क्या है, कि कैसे इनका जो है वो वेट लॉस हो पाए इस बच्चे का, राइट? सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सोशल प्रूफ। और ऊपर कितना अच्छा लिखा है, रीड दिस इफ यू आर ट्रूली सीरियस अबाउट लूजिंग वेट। अगर आप बहुत सीरियस है लूजिंग वेट से तो आप रीड कीजिए। और पहले उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया, सिर्फ ऐसे बताया कि देखिए इस बच्चे का कैसे वेट लॉस हुआ है, तो इस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, इस तरीके से ज़्यादा रीडरशिप मिलती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। अब मैं खास करके जो आप कह रहे थे डिजिटल मार्केटिंग को लेके, तो इसका मैं एग्जांपल डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब से ही बताना चाहूँगा इनका एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, की चैनल है, आप काफ़ी सर्वे इसमें से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर है, वो है 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर। आज की डेट की बात करें तो 12.5 मिलियन यूट्यूब में सब्सक्राइबर है इनके। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इनका एक मेन होम पेज में वीडियो है, हु इज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ऐसा वीडियो है जिसके 2 months हो चुका है, लेकिन उनका व्यू आप देखोगे तो 247K व्यूज़ है। ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा, बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन अगर आप दूसरे वीडियो की कंपैरिजन करेंगे तो इनका वीडियो कम आया, व्यूज़ कम आया। अब क्यों कम आया आप देखिए, जैसे कि ये इनका वीडियो है, ग्रो योर सेल्स 100 times, ठीक है, कंप्लीट वेबिनार। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या एड्रेस किया है कि देखिए आपका सेल्स ग्रो होगा। यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर कुछ आपके बारे में बात आती है, यानी कि ये वीडियोस को लोग ज़्यादा देखेंगे रादर देन वॉचिंग द डॉक्टर विवेक बिंद्रा। देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फैन होंगे, वो जरूर ये वीडियो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनके फैन नहीं भी है
राइट, वो भी इसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए इनके व्यू ऑलमोस्ट डबल है, राइट 422 के, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रिक विवेक बिंद्रा नहीं था, राइट यहाँ पर सेंट्रिक क्या था, कुछ वैल्यू था, राइट जो आपको मिल रहा था वरियों के टाइम के है, जैसे कोविड है, कोरोना वायरस से कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, ऐसे ऐसे जो वीडियोस है इसका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। और मेन बात समझने की यह है कि इन सारे वीडियोस में एंड अगर आप देखोगे आखिर के 20-25 सेकंड, तो उन्होंने फिर विवेक बिंद्रा ने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, राइट विद द कॉल टू एक्शन। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स आप अच्छे हैं, आप सेल डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपको उसको मेन लाइमलाइट में फोकस नहीं करना चाहिए, वो सबसे आखिर में आता है। एडवर्टीजमेंट में आपका प्रोडक्ट्स की बात आती है सबसे आखिर में, खास करके व्हेन यू कम इनटू द डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर मैं मेरा भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मेरा चैनल है बाराय वर्सेस, ठीक है, तो मैं किशन बाराय टाइप करता हूँ ओके राइट मेरे चैनल में, तो ये इनके व्यूज जो है वो 2295 है, 2295 व्यूज, जो मैं कहूँगा कि मेरे चैनल में दूसरे वीडियो की कंपैरिजन से कम है। इससे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आए हुए हैं जिसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कि प्रॉफिट इन एक्सपोर्ट बिजनेस, तो अगर आप इस वीडियो के व्यू देखेंगे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को, राइट, तो इस वीडियो में 43,617 व्यूज है, राइट ये जो काफ़ी हाई व्यूज है मेरे चैनल की कंपैरिजन में, राइट अगर आप देखोगे राइट माय सब्सक्राइबर, तो ये मेरे सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर करीबन 27,500 है, लेकिन व्यूज़ तो 43,000 हो गए। क्यों ये लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा? क्योंकि ये लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता था कि हाउ मच प्रॉफिट इन एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट तो मैंने पूरा समझाया। आखिर में मैंने डिटेल के लिए मैंने बात ज़रूर की है मेरे कोर्स के लिए, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है ठीक है बहुत अच्छा है, राइट लेकिन इसकी चर्चा पहले नहीं होती, इसकी चर्चा होती है आखिर में। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए टॉप सब्जेक्ट लाइंस है, 5 steps यू मस्ट टेक टू चूज बेस्ट मैंगोज अंडर COVID-19, राइट यानी कि इनका हेतु सेल मैंगोज था, राइट और इन्होंने क्या लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि मेरे से मैंगो खरीद लो, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अपनी वेबसाइट में जिन्होंने ऐसा बताया गया है कि आप 5 step को फॉलो करें ताकि आप बेस्ट मैंगोज को चूज कर सके, और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और फिर आखिर में बताया है कि हम भी अच्छा मैंगोज आपको दे सकते हैं। लेकिन टाइटल देखिए, टाइटल में कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे से खरीद लीजिए। यहाँ पर आप देखिए सेकंड 3 investments टू सर्वाइव द रिसेशन ऑफ COVID-19 के, देखिए अगर आप COVID-19 से बचना चाहते तो ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छे हैं। इसमें उनका मेन हेतु म्यूचुअल फंड को सेल करने का था, लेकिन उन्होंने दूसरी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को सबसे बेस्ट बताया था, राइट उनका हेतु ये था कि म्यूचुअल फंड्स मेरे ज़्यादा लोग ले ले। सक्सेस इन COVID-19, राइट ये एक प्रकार का रियल एस्टेट का प्रोजेक्शन है। 5 years कोरोना वायरस ड्रॉइंग अटेंशन टू फैशन, अब देखिए फैशन इंडस्ट्रीज में भी ये लोग कोविड ला रहे हैं। देखिए 5 years कोरोना वायरस ड्रॉइंग अटेंशन टू फैशन, और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि फैशन इंडस्ट्रीज में भी राइट कुछ चीज़ें ग्रो हो रही है जो अपने बिजनेस में बदलाव ला रहे हैं। अगर आप देखोगे कुछ ऐड में आपको बताना चाहूँगा कुछ, ये देखिए फैशन इन द टाइम ऑफ COVID-19, लग्जरी मासेस मेड ऑफ सिल्क एंड पॉपलिन गो मेनस्ट्रीम, तो आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स का लिंक है, आप देख सकते हैं राइट कि फैशन वाले भी राइट मास्क में भी फैशन ला रहे हैं और अपना जो सब्जेक्ट लाइन है वो इतना कैची रख रहे हैं राइट कि उनका भी सेल्स जो है वो इसमें ट्रिगर हो जाए। हाउ टू मेक योर किचन एनवायरमेंट फ्रेंडली अंडर COVID-19, ये किचन वेयर का कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी उन्होंने COVID-19 को जोड़ दिया। अब इसमें से दोस्तों हम क्या सीख पाए, हम क्या सीख सकते हैं? हमने ये सीखा, ये सारी हेडलाइन को देख के, यूट्यूब के थंबनेल को देखे, यूट्यूब चैनल में देख के, व्यूअरशिप को देख के हमने ये सीख पाया
कि हमको हेडलाइन में कभी भी हमारा बिजनेस का नाम नहीं लिखना है, अनलेस एंड अंटिल वो एप्पल सैमसंग में बात अलग है, लेकिन वो भी इतना नहीं लिखते. सो नो बिजनेस नेम्स और नो पर्सनल नेम्स. ठीक है, ये उनको मेनली हाईलाइट में नहीं रखना है. आप पर्सनल नेम बाई करके पीछे लिख सकते हो, लेकिन ये मेन नहीं आएगा, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट यू, राइट? पीपल केयर अबाउट देमसेल्फ. उनकी लाइफ में बदलाव कैसा आएगा वो जरूरत ज्यादा है, राइट? इसमें फिर हमने क्या सीखा, एवरीबडी हैज एडेड, राइट, द सिचुएशन ऑफ COVID-19. जो भी बिजनेस अपना डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कर रहे हैं, वेब बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी हो, चाहे मैं एक्सपोर्ट्स की भी बात करूं, बड़ी कंपनी है डोले, मैं हर जगह नजर रखता हूं दोस्तों, जितना मेरे से हो सके वर्ल्ड वाइड. तो आप डोले कंपनी भी देखोगे जो बनाना एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने भी डाला हुआ है सबसे पहले अवर रिस्पॉन्स टू COVID-19, राइट? यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं. देखिए, आपको भी दोस्तों अपना कंटेंट चेंज करना होगा. अब क्या, अगर वेबसाइट है तो आपको अपने वेबसाइट में कंटेंट कोविड फ्रेंडली डालना होगा. अगर राइट आपका वेबसाइट में नहीं है तो आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा. यू हैव टू डू समथिंग, राइट, कि आप इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अब अपना जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना पड़ेगा. वही पुराना टेक्निक आपका नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको जमाने के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा. दिवाली आता है. देखिए दोस्तों, ये COVID-19 का सिचुएशन अगर आप समझोगे बिजनेस के लिए, तो इसका पॉजिटिव भी ले सकते हो. पॉजिटिव क्या ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि दिवाली होता है, तो आप दिवाली फ्रेंडली एडवर्टीजमेंट बनाते हो, या आर्टिकल बनाते हो, या वीडियो बनाते हो, तो उसमें जो दिवाली फेस्टिवल को मानते हैं वही आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो पाएंगे उस टाइम पे. लेकिन कोविड का तो कोई धर्म नहीं है कि माइंड, हर किसी के माइंड में कोविड है, भले ये फेस्टिवल नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको रीडरशिप और व्यूअरशिप मिल सकती है, राइट, अगर आपने इस तरीके का कंटेंट डाला जो दूसरे लोग डाल रहे हैं. ये मेरा नहीं है, ये मैं अलग अलग तरीके के रिसर्च कर रहा हूँ, जिसका व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसको सेल्स अच्छा मिला हुआ है, जो मैं देख पा रहा हूँ उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो ये हमको ध्यान रखना है हमारे टाइटल में. हमारे टाइटल में हम और क्या ध्यान रख सकते हैं, इट शुड बी नॉलेज बेस, राइट? कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ नॉलेज बेस है. 5 steps, राइट, 3 investments टू सर्वाइव, 3 secrets, राइट, क्विक वे टू स्टार्ट. मतलब कहीं ना कहीं जो है लोगों ने ज्यादा नॉलेज बेस दिया हुआ है. ऐसे ही नहीं कि भाई हम कोविड में क्या ध्यान रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने नॉलेज बेस भी दिया हुआ है, राइट, इस टाइम पे कैसे आगे बढ़े, नॉलेज बेस. देन इन सभी लोगों ने आखिर में क्या किया हुआ है, डिटेल कंटेंट डाला, आखिर में उन्होंने फोकस किया हुआ है कॉल टू एक्शन. सो कॉल टू एक्शन क्या है दोस्तों, राइट, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ. अच्छा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. सो what then you are waiting for, start sending in your orders today and bring a life changing solution to all your economic problems. For further details kindly contact the undersigned, right, looking forward to hear from you soon. यानी कि आखिर में बताते हैं कि भाई हमको कॉल कीजिए, हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे, बेस्ट हेल्प देंगे. दोस्तों मेरी रिसर्च के ऊपर से मैं आपको इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखना, मैं आपको 175 वर्ड्स की लिस्ट दूंगा, 175 वर्ड्स जो आप अपने कंटेंट में डालने का कोशिश कीजिए, राइट? आप इस कोरोना के टाइम में बैठे मत रहिए, आप अपना वेबसाइट डेवलप कीजिए. आप अगर आपका वेबसाइट है तो कंटेंट डेवलप कीजिए, ईमेल डेवलप कीजिए, कुछ आप बैठ के प्लानिंग कीजिए, राइट? आप मेरे वीडियोस जो है इस कोविड के सीरीज में देखें, राइट, ताकि आपको पहले से पता चले
तो इसकी मैं नीचे प्लेलिस्ट भी डाल देता हूँ स्पेशली मार्केटिंग को लेके, राइट। तो मार्केटिंग को लेके प्लेलिस्ट आप देखें, राइट, ताकि आपको पता चलेगा। और मैं आपको 175 वर्ड्स चूज करके देता हूँ जो मेजोरिटी सभी ने यूज किए हुए हैं कीवर्ड्स निकाल के इस टाइम पे, राइट। तो वो अगर आप अपने स्क्रिप्ट में ऐड करते हो या अपने सब्जेक्ट मैसेज में ऐड करते हो या कॉल टू एक्शन में ऐड करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, राइट। तो वो 175 वर्ड का नीचे ही है, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। फाइन, सो दिस किशन बराई एंड थैंक यू वेरी मच। फाइन, हैव अ नाइस डे।